हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और आज से मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी IVF की एक्सपीरियंस की जर्नी। जी हाँ, मैंने ट्विंस मेरे बॉयज़ हुए हैं और ये पॉसिबल हो पाया है IVF के साथ। IVF क्या है, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या इसकी कॉस्ट थी, कितना खर्चा आया, कितने टेस्ट हुए, इन सब के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझे मैसेज कर रही हैं कि कितने पैसे लगे हैं और कितना टाइम लगा है, तो मैं आपको पहले बता दूं ये सब एक वीडियो में कवर नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे वीडियो बनाने में भी आसानी हो। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ये जो IVF होते हैं इसके ना पैकेजेस बने होते हैं, और हम भी जब हॉस्पिटल में जाते थे, अलग अलग हॉस्पिटल में हमने पता किया कि कैसे क्या प्रोसेस है, तो हमें भी अलग अलग पैकेजेस के बारे में पता चला। कहीं पे तो बहुत ज़्यादा प्राइस थे और कहीं पे ठीक ठाक था। तो प्राइस तो अब मैं आपको बता दूं, पैकेजेस के बारे में तो बताऊं तो 3 लाख से लेके 4 लाख के बीच में भी है, लेकिन हमने मेट्रो हॉस्पिटल से करवाया, वहाँ पे हमें जो पैकेज मिला वो 75,000 से लेके 85,000 के बीच में था। तो मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, तो अब शायद बढ़ गया हो, लेकिन मुझे मेरा प्रोसेस थोड़ा लंबा चला गया, मैंने थोड़ी ब्रेक भी ले ली और मेरी थोड़ी दिक्कतें भी आई जिस वजह से थोड़ा लंबा चला। तो मैं बात करती हूँ अपने IVF के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। तो जैसे अब मेरे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि सबके ट्विंस हो। सबसे पहले जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको चेक करते हैं, मुझे भी चेक किया गया डॉक्टर ने। हमने डॉक्टर को बोला कि हमें IVF करवाना है, लेकिन ऐसे है ये टेस्ट हमें करने पड़ेंगे। तो मेरे जैसे पहले भी टेस्ट होते थे, मैं कहीं भी जाती थी तो सबसे पहले आपको पता ही है डॉक्टर्स टेस्ट के बारे में बोलते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स थी, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि ये वाले मेरे टेस्ट हैं, अगर देखो अगर चल जाए तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ देखे, और उन्होंने बोला कि हाँ ये तो चल जाएंगे, लेकिन एक टेस्ट जो है वो मैं ज़रूर करूँगी। टेस्ट क्या था, उन्होंने, क्योंकि मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री थी वो मैंने पहले ही बताया था उनको, डॉक्टर को, क्योंकि मैंने IVF भी करवाया हुआ था, तो उससे मेरे प्रेगनेंसी मुझे हुई तो थी लेकिन वो चली नहीं थी। अगर आपको देखना है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हो, मैंने बनाई हुई है उसके ऊपर भी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको एक मेडिसिन दूंगी जो आपको अपने पीरियड के फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी है और 10 दिन के लिए खानी है, और 11वें दिन मेरे पास आना है। तो मैं आपकी यूट्रस से एक छोटा सा पीस लूँगी, मैं जैसे एक मांस का टुकड़ा लूँगी, उसको मैं लैब में भेजूँगी और मैं चेक करूँगी कि आपकी यूट्रस ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेडिसिन थी ईस्ट्राबेट के नाम से थी, वो मैं खाती थी, सुबह 6 बजे खानी थी, दोपहर को 2 बजे और रात को 10 बजे। ये मेडिसिन जितने बजे बोली है उतने बजे ही खानी होती है, और मैंने खाई। और 11वें दिन मुझे बोला गया कि आप नॉर्मल अपना खाना पीना खा के आओ और आके अपना ब्लैडर फुल करो। मैंने बहुत सारा पानी पिया, जैसे आपने अल्ट्रासाउंड करवाया हो तो आपको पता ही होगा, तो मैंने अल्ट्रासाउंड जैसे करवाते हैं तो पानी पिया, और फिर वो मुझे ओटी में ले गए। मेरी यूट्रस को उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, तब मुझे ऐसे लगा कि मुझे पेन हुआ, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा ना आगे चलता ही रहता है, आपकी यूट्रस को वो थोड़ा सा स्ट्रेच करके अंदर से देखते रहते हैं, तो पहली बार आपको लगेगा कि थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसमें पेन नहीं होता है। मुझे लगा कि पेन है लेकिन ये पेन नहीं था, फर्स्ट टाइम हुआ था इसलिए मुझे ऐसा लगा। तो सबसे पहले डॉक्टर ने मेरी वजाइना में एक पेन किलर इंजेक्शन लगाया ताकि मुझे अंदर से जब वो पीस कट करेंगे तो दर्द ना हो। तो इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन का मुझे पता भी नहीं चला, नॉर्मल इंजेक्शन था। तो उन्होंने एक छोटा सा पीस जो है वो कट किया, उसको लैब में भेजा, और इसका जो रिजल्ट था, रिपोर्ट थी, वो 3 हिस्सों में आई। पहले तो 3 दिन में आ गई, फिर 15 दिन में आई, और बाद में ये 1.25 महीने के बीच में आई। तो इसकी रिपोर्ट अच्छी आई, तो फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि चलो ठीक है, अगर आप कहते हो तो हम IVF स्टार्ट करते हैं। वैसे IUI के साथ अगर आप जाना चाहो, तो हमने तो पहले डिसाइड किया हुआ था कि हम IUI नहीं करवाएंगे, IVF ही करवाएंगे। तो तब फिर डॉक्टर ने हमें इसके बारे में बताया कि कैसे कैसे होता है, और पैकेज के बारे में बताया, तो हमें लगा कि हाँ हमें यहीं से करवाना है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अपने पीरियड्स के फर्स्ट डे पे मेरे पास आना, मैं आपको चेक करूंगी, आपकी यूट्रस की लाइनिंग चेक करूंगी जिस पे बच्चा टिकता है, आपका एम्ब्रियो फिक्स होता है वहाँ पे, तो वो चेक करूंगी कि कितनी MM की आपकी लाइनिंग बनती है। ये लाइनिंग जो है आपकी
जैसे अच्छी जो बोलते हैं वो 7 mm से लेके 12 mm तक होनी चाहिए। तो उसमें आपकी अच्छे से बच्चा जो है टिक जाता है, आपके इमोशंस के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसके लिए आपकी जो लाइनिंग है वो जो मुझे इस्ट्राबेट की टैबलेट दी गई थी वो मेरी आगे भी चली और वो लाइनिंग को अच्छा बनाने के लिए दी जाती है। तो फिर हमने अपना एक्सपीरियंस अपना IVF स्टार्ट किया। स्टार्ट करने पर मुझे फर्स्ट डे पे ही बुलाया था, लेकिन मेरे जो पीरियड्स थे वो रात को आए थे तो रात को मैं जा नहीं सकती थी। तो सेकेंड डे मैं अपने पीरियड के डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको इंजेक्शन जो है वो परचेज़ करने पड़ेंगे। तो वो पैकेज में इंक्लूड नहीं थे, तो वो जो इंजेक्शन थे वो मेरे 13,000 के आए थे, तो वो मेरे 10 दिन लगने थे। तो एक इंजेक्शन मुझे सुबह लगता था, एक इंजेक्शन जो है वो रात को मतलब शाम को लगता था। इंजेक्शन की जो टाइमिंग होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, अगर आपको 2 बजे लगा है तो 2 बजे ही लगेगा, 2:05 नहीं होने चाहिए। और वो जो इंजेक्शन होते हैं वो आपको फ्रिज में रखने होते हैं, मतलब उनको ऐसे ही नहीं रखते ना, बहुत संभाल के रखना होता है। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि अगर आप खुद से लगा लोगे तो ले जाओ घर, क्योंकि वो ना नॉर्मली होते हैं जो डायबिटीज़ वाले लोग लगाते हैं वो ही होते हैं, तो नॉर्मल घर पे लोग लगा लेते हैं, जैसे थाइस पे लगा लेते हैं, पेट में लगा लेते हैं। तो डॉक्टर ने बोला इतनी घबराने वाली बात नहीं, आप अगर लेना चाहते हो फ्रिज में रख दो और अपने टाइम पे घर पे लगा लो। तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा था, हमने कहा नहीं हम आपसे ही लगवाएंगे, आप यहीं पे रख लो। तो हमने हॉस्पिटल में ही रखवा दिए। तो हम 2 टाइम जाते थे, सुबह जाते थे और शाम को जाते थे। और सुबह के टाइम मेरे डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगने से पहले सोनोग्राफी करते थे, वहाँ पे मुझे देखते थे कि जो मेरे एग्स हैं, जो इंजेक्शन हैं वो एग्स को ना अच्छा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए लगते हैं। जैसे अगर कम एग्स बन रहे हैं तो उससे थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो जाती है एग्स की, कितने एग्स बने हैं, एग्स थोड़े बढ़ जाते हैं इसके लिए आपका वो इंजेक्शन लगते हैं। तो उस जब आपके इंजेक्शन लग रहे होते हैं ना, तो आपका जो पेट है ना वो थोड़ा सा आपको हैवी लगने लगता है, कि जैसे जैसे हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं आपको ब्लोटिंग टाइप कुछ ऐसा लगता है। तो अगर आप सोते हो, आप साइड लेते हो तो आपको कुछ हैवी हैवी फील होता है। तो डॉक्टर ने हमें ये भी बोला था, मुझे ये भी बोला था कि जैसे थोड़ी भारी चीज़ को कम उठाना, क्योंकि जो यूट्रस का साइज़ है एग्स की वजह से एग्स बड़े हो गए तो यूट्रस भी फैल गई है, तो कहीं वो बीच में ही फट ना जाए इंजेक्शन। तो आप थोड़ा बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं बोली थी मुझे, लेकिन थोड़ा आराम के लिए बोला था कि अगर हम भाग भाग के मतलब कोई काम ना करें, थोड़ा धीरे धीरे कर लें, ऐसे बोला था। तो जैसे ये मेरे 10 दिन चला, एक इंजेक्शन लगता था एग्स को अच्छा सॉलिड बनाने के लिए और एक लगता था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मेरे 9 दिन लगे, 10वें दिन और साथ में मेरी जो ईस्ट्राबेट थी वो तो चल ही रही थी सुबह दोपहर और शाम को, और साथ में मुझे फॉलिक एसिड दी थी वो चल रही थी, और एक गैस की जैसे होती है नॉर्मल, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा बनती है, आपको इतनी सारी मेडिसिन्स खाते हैं, इंजेक्शन लग रहे होते हैं, तो वो मुझे चलती थी। तो फिर जो जब 9वां दिन था तब मुझे एक इंजेक्शन लगा, तब मेरे बाकी इंजेक्शन बंद हो गए। कह रहे कि फिर डॉक्टर मुझे बोला कि कल आपके जो एग्स हैं वो हम निकाल लेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक था मेरा IVF स्टार्ट से लेके टेस्ट से लेके एग्स जब मेरे बन चुके थे, जब निकालने थे उससे 1 दिन पहले का प्रोसेस। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कितना मेरा खर्चा हुआ। जो मेरा टेस्ट का खर्चा था, जो मेरा जो पीस लेने वाला जो मेरा टेस्ट था उसका जो खर्चा था वो 3500 के करीब हुआ था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ वो 3500 मेरा तब लगा था, और बाद में 13,000 के मैंने इंजेक्शन खरीदे थे। जो डॉक्टर की विजिट होती थी उसके कोई चार्जेस नहीं थे, वो मेरे जो पैकेज था उसमें इंक्लूड थी। तो जो मेरे एग्स लिए गए थे उसका जो प्रोसेस है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो अब मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करती हूँ।